तो क्या ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न करके करेंगे? रोमन रेंज को तबाह। ब्रॉक लेसनर कब अपना रिटर्न करने वाले हैं WWE में? ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज का अपना बदला कब लेंगे? तो भाई ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कब होने वाला है WWE के अंदर? इसको लेकर भाई WWE ने सब कुछ बता दिया है कि कब ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होगा, कब वो रोमन रेंज को फेस करेंगे। रैंडी ऑर्टन, CM Punk, रोमन रेंज और AJ Styles के रिटर्न के बाद ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कब होगा? तो भाई वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको सब कुछ समझ आएगा, अगर आप लोग स्किप करते हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अभी के समय में आप जो WWE देख रहे हैं भाई, आप सबको पता है उसमें हमें ब्रॉक लेसनर देखने को नहीं मिल रहे हैं। और भाई ब्रॉक लेसनर के बिना WWE अलग से ही लगती है। एक जमाना ऐसा था जब ब्रॉक लेसनर को सारे लोग पसंद करते थे, लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर को काफी ज्यादा कमजोर दिखाया जा रहा है, यहाँ तक कि वो छोटे मोटे रेसलर से भी हार जा रहे हैं। तो आज के समय में भाई WWE ब्रॉक लेसनर को बिल्कुल भी पुश नहीं दे रही है। यही वो रीजन हो सकता है जिससे कि मैं ब्रॉक लेसनर अब WWE के अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं। पर अगर मैं आपको सच सच बताऊं तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न बहुत जल्दी होने वाला है। भाई WWE ने साफ साफ बता दिया कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कब होने वाला है, एग्जैक्ट डेट पता चल गई है। ब्रॉक लेसनर कब आने वाले हैं और क्या वो अपने रिटर्न के बाद गुंथर को फेस करेंगे या फिर रोमन रेंज को फेस करेंगे या फिर वो CM Punk और रैंडी ऑर्टन में से किसी को फेस करेंगे, सब कुछ बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो तो में। देखो अगर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होगा तो भाई WWE इसको 2024 के अंदर ही करवाने वाली है। अगर आप अभी देखो तो 2024 ज्यादा दूर नहीं है और ऐसा बताया जा रहा है कि 2024 में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होने वाला है। तो देखो अपडेट का कुछ ऐसा कहना है कि जो ब्रॉक लेसनर है वो WWE 2K24 के कवर स्टार हो सकते हैं। अभी WWE 2K23 चल रही है और अगले साल WWE 2K24 भी आ जाएगी और उसमें ब्रॉक लेसनर एक कवर स्टार हो सकते हैं। तो देखो भाई जो WWE की 2K सीरीज है उसके लिए WWE ने अब काफी ज्यादा लेट कर दिया है, वरना भाई WWE चीज को दिसंबर में अनाउंस कर देती थी, पर इस बार WWE ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो भाई इसका मतलब यह है कि आपको ब्रॉक लेसनर जनवरी 2024 के अंदर दिखाई देंगे। मतलब जब ब्रॉक लेसनर WWE के अंदर होंगे तभी WWE 2024 को रिलीज करेगी। तो WWE ने इस चीज का डिले कराया है। हो सकता है कि WWE इसको रॉयल रंबल के अंदर ही रिलीज करे। रॉयल रंबल के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर वहां पे आने वाले हैं। शायद आपको ब्रॉक लेसनर जनवरी का जो पहला रॉ का एपिसोड होगा उसके अंदर आपको दिखाई दे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको जनवरी के फर्स्ट स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर दिखाई दे। कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं तो भाई ब्रॉक लेसनर 2024 के अंदर आने वाले हैं, कंफर्म है WWE की तरफ से। WWE ने चीज को पूरी तरह से कंफर्म किया है। अब भाई ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बाद ब्रॉक लेसनर किसको फेस करेंगे? रोमन रेंस को फेस करेंगे, रैंडी ऑर्टन को फेस करेंगे या फिर CM Punk को फेस करेंगे? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भाई बस वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगली नेक्स्ट वीडियो में।